हम सबका मन करता है कि हम जीवन में ऐसे शिखर पर पहुंचे जहां हमसे ऊपर कोई ना हो, जहां हमें कुछ करने की आवश्यकता ना पड़े, है ना। कुछ लोग इस शिखर पर पहुंच भी जाते हैं, परंतु उनका मन सदा विचलित रहता है। इतनी मनोरंजक बात है ना कि जिस विश्राम को पाने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, वो हमें मिलता ही नहीं। कारण स्वयं सोचिए, वन का राजा होने के पश्चात भी सिंह को अखेट के लिए परिश्रम क्यों करना पड़ता है? सोचिए, मैं बताता हूं। क्योंकि राजा होने का अर्थ ये नहीं कि वो सदा सोता रहे और मृग स्वयं उसके समक्ष आकर कहेगा कि आइए महाराज, मुझे खाकर अपनी भूख मिटाइए। तो समझ लीजिए, कार्य आपके परिश्रम से संपन्न होते हैं, केवल कामना से नहीं। यदि आप नीचे हैं तो सदा स्मरण रखें कि आपका परिश्रम ही आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा, और यदि आप ऊंचाई पर तो वहां पर भी रहने के लिए आपको निरंतर परिश्रम करते रहना होगा। अर्थात परिश्रम से मुक्ति नहीं है, क्योंकि परिश्रम ही जीवन है।